चलिए अभी इसे ढक के 5 से 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। ये हमारे छोले हो गए हैं रेडी। ऑयल मैंने डाल दिया है गरम होने, इसको मैं धीमी आंच पे कर दूंगी। ये रहा मेरा फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दीपिका इब्राहिम को कुकिंग करना कितना ज़्यादा पसंद है और वो अपने किचन में अपने फैन से कोई ना कोई रेसिपी ब्लॉग द्वारा शेयर करती रहती हैं। इस बार उन्होंने स्पेशली सोएब के लिए बनाए थे छोले भटूरे और बहुत ही मेहनत से उन्होंने ये छोले भटूरे बनाए थे, बट बनने के बाद सोएब को कैसे लगे आज हम अपने ब्लॉग में बताने वाले हैं। वैसे तो सोएब उनकी हर डिश की तारीफ करते हैं, पर इस समय सोएब को ज़्यादा खासा पसंद नहीं आए उनके छोले भटूरे। और क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी अभी दीपिका इब्राहिम से कोई ना कोई रेसिपी में गलती हो जाती है, इसी वजह से दीपिका इब्राहिम के छोले भटूरे शोएब को ज़्यादा पसंद नहीं है। हालांकि उन्होंने खा लिए थे और रेहान भी वहाँ मौजूद था। रेहान ने भी छोले भटूरों का मज़ा लिया और शोएब ने इतने ज़्यादा अच्छे से, वैसे तो उन्होंने उनकी कोई बुराई नहीं की और अच्छे से छोले भटूरे खा लिए। हस्बैंड वाइफ बहुत ही प्यारा कपल है शोएब दीपिका, हमेशा सारे व्यूअर्स को पसंद आते हैं। आपको भी शोएब इब्राहिम और दीपिका इब्राहिम पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।